हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीरियल टीवी वाई विनीता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक्ट्रेस मदालसा शर्मा के करियर के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मदालसा शर्मा ने किन किन सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मदालसा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में फिल्म बेतईकरण से की थी। इसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था। साल 2009 में ही ये तेलुगु फिल्म फिटिंग मास्टर में मेघना के कैरेक्टर में नजर आए। साल 2010 में इन्होंने कन्नड़ फिल्म शौर्य में श्वेता का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2010 में ही ये तेलुगु फिल्म आलस्यम अमृतम में वैदेही के कैरेक्टर में नजर आए। साल 2010 में ही इन्होंने तमिल फिल्म थम्बिकु इंधा ओरू में प्रिया का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2011 में मदालसा शर्मा ने हिंदी फिल्म एंजल से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म में ये सोनल महाजन के कैरेक्टर में नजर आए। फिर साल 2012 में ये तेलुगु फिल्म मेम बयासुकु वचन में खुशी के कैरेक्टर में नजर आए। साल 2013 में इन्होंने तमिल फिल्म पथायरम कोडी में भूमिका का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2013 में ही ये जर्मन फिल्म दी गर्ल विद द इंडियन इमरल्ड में माला के कैरेक्टर में नजर आए। फिर साल 2014 में मदालसा शर्मा ने पंजाबी फिल्म पटियाला ड्रीम्स में रीत का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2014 में ही ये हिंदी फिल्म सम्राट एंड को में डिम्पी सिंह के कैरेक्टर में नजर आए। साल 2014 में ही इन्होंने तेलुगु फिल्म चित्रम चेपीना काथा में काम किया, लेकिन किसी रीजन की वजह से अब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिर साल 2015 में ये तेलुगु फिल्म रामलीला में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। साल 2015 में ही इन्होंने हिंदी फिल्म पैसा हो पैसा में भूमिका का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2015 में ही मदालसा कन्नड़ फिल्म डब में नजर आए। साल 2016 में इन्होंने हिंदी फिल्म दिल साला संकी में काम किया। साल 2016 में ही ये तेलुगु फिल्म सुपर टू में नजर आए। फिर साल 2018 में इन्होंने हिंदी फिल्म मौसम इकरार के दो पल प्यार के में अंजलि का कैरेक्टर प्ले किया। साल 2018 में ही मदालसा शर्मा एमटीवी के रियलिटी शो डेट ऑफ रिमेंबर में जज के रूप में नजर आईं। फिर साल 2019 में ये टीवी सीरीज दी रेड लैंड में रानी के कैरेक्टर में नजर आईं। और अब साल 2020 से मदालसा स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में काव्या गांधी के कैरेक्टर में नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, आपको मदालसा शर्मा का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।